केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होना है, जिसको लेकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई है। आपको बताएं कि दो नामों की जो चर्चा हो रही है इस वक्त, वो हम आपको बता रहे हैं। एक आरसीपी सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे पशुपति कुमार पारस। और भी नाम हैं, लेकिन वो शाम 6 बजे तय हो जाएंगे और मुहर लगेगी कि इन सभी नामों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। लेकिन इस वक्त देखिए, हम उपेंद्र कुशवाहा के 24M स्टैंड रोड के बाहर मौजूद है और इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से भी बात की है। साफ तौर पे देखिए, सबसे पहला सवाल यही था कि ललन सिंह को जगह नहीं मिल पा रही है। इसमें इस पे उन्होंने कहा है कि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, शाम 6 बजे का इंतजार कीजिए, जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा ये भी पता चल जाएगा कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि चिराग पासवान ने कल साफ किया था कि अगर पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उस पर उन्होंने कहा है कि उनके किसी भी बातों का कोई मतलब नहीं होता है, उनको बोलने दीजिए, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तीसरा सवाल ये था कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह इस वक्त हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आपका भी नाम सामने आ रहा है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हैं। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जो तमाम बातचीत की है जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, पहले आप वो सुन लीजिए। मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि जेडीयू की तरफ से अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब तो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही दे दिया, जब उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद से के विस्तार से संबंधित कोई सवाल के लिए अधिकृत हैं रामचंद्र बाबू, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो उनको ही अंतिम रूप से कुछ भी करने का या कहने का अधिकार है, पार्टी ने उनको अधिकृत किया है, तो वही इस तरह के सवाल का जवाब दे पाएंगे। और उसमें बहुत हड़बड़ी की गुंजाइश भी नहीं है, अब तो 6 बजे होना है, तो 2-3 घंटा के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपके हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। खबरें ये भी निकल कर आ रही है उपेंद्र जी कि आपको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट कोई भारत सरकार के मंत्रिपरिषद का पोस्ट है कि उसके साथ कोई डिसीजन होना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, इसलिए इस तरह के सवाल की कोई गुंजाइश अभी बनती ही नहीं। ललन सिंह जी को भी मंत्री नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, अभी आप कैसे कह दिया किनको अभी बनाया जा रहा है किनको नहीं बनाया जा रहा है? अभी कोई भी अनुमान के आधार पर बात कहना मुनासिब नहीं है। 6 बजे तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आपके इस तरह के किसी सवाल का जवाब देना संभव हो पाए। सर, कल चिराग पासवान बोल रहे थे कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होने के बाद देखिएगा कि जेडीयू में टूट होगी। अब देख ही लीजिए 6 बजे के बाद, वो चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं, उन लोगों के बोलने का कोई अर्थ है?